नमस्कार, क्लाइमेट वेदर रिपोर्ट के साथ मैं हूं फौजिया। राजधानी दिल्ली बीते कुछ सालों में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गई है। आज भी प्रदूषण में कोई खास तब्दीली की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मौसम में कम से कम अगले 3 से 4 दिनों तक कोई बदलाव नहीं आएगा। लोगों को सलाह दी जाती है बाहर वॉक या जॉगिंग करना अवॉइड करें और घर पर ही एक्सरसाइज कर लें। मध्य भारत में राजस्थान से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा में मौसम शुष्क रहेगा। बारिश की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन इन राज्यों में ज्यादातर स्थानों पर सुबह के समय ठंड शुरू हो गई है, जिससे कुछ जगहों में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट और आ सकती है। पूर्वी भारत में मौसम बीते कई दिनों से शांत है और आगे भी कोई खास हलचल की उम्मीद नहीं है। शुष्क मौसम के बीच दिन में हल्का गर्म रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में सुबह के समय ठंडक रहेगी। आखिरकार दक्षिण में उत्तर पूर्वी मॉनसून का इंतजार जारी है। फिलहाल राज्यों में बारिश काफी कम रहेगी, जबकि तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी छोर पर हल्की बारिश हो सकती है। क्लाइमेट वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।